एनटीपीसी की दो कोयला मालगाड़ी आपस में टकरा गई। ये भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि इस हादसे में 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बैढ़न थाना क्षेत्र इलाके के रिहंद नगर में एक मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही थी, वहीं दूसरी खाली मालगाड़ी लौट रही थी। दोनों की रफ्तार बहुत तेज थी और टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और मालगाड़ी में सवार कर्मचारी अंदर ही फंस गए। सिंगरौली के बैढ़न थाना क्षेत्र के गनियारी बीजपुर रोड में कचरा प्लांट के पास रविवार की सुबह बड़ी दुर्घटना घटी, जिसमें कोयला ट्रांसपोर्ट करने वाली दो ट्रेनों की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन के इंजन के पर खच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन के इंजन में ट्रेन के चालक सहित कुल 3 लोग थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है। इस भिड़ंत के बाद तीनों लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ट्रेन के इंजन को गैस कटर की मदद से काटने के बाद तीनों लोगों को निकाला गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल सहित एनटीपीसी के कर्मचारी और सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं। एनटीपीसी के का एक रैक जो अमलोरी परियोजना से रिहंद के लिए कोयला लोड करके जा रहा था, दूसरा रैक रिहंद से खाली अमलोरी परियोजना की तरफ जा रहा था। तो 4:30 बजे के आसपास जो भरा हुआ रैक था उसने खाली रैक पर आकर के टक्कर मार दिया और खाली रैक का इंजन आगे निकल चुका था, कुछ डिब्बे उसके निकल चुके थे तथा कुछ डिब्बे शेष थे। ऐसी स्थिति में जो भरा हुआ रैक था उसका लोको पायलट, सहायक लोको पायलट का नाम रशीद अहमद है, सहायक लोको पायलट का नाम मनदीप है और जो पॉइंट्समैन है लक्षणधारी, तीनों लोगों की इस हादसे राम लक्षण सारी तो तीनों लोगों की इस हादसे में दुखद मौत हो गई है और घटना के कारणों के संबंध में पुलिस द्वारा विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है। हमको यही कहना है कि सर, ये जो है बिना सिग्नल के तो गाड़ी लड़ी नहीं होगी, इसलिए इसका उचित कार्रवाई किया जाना चाहिए, तुरंत कार्रवाई किया जाए। और प्लस दूसरा चीज़ ये है कि इसकी इनका बच्चा जो 7 महीने का बच्चा है, अब उसका ब्लड प्रेशर कैसे होगा, अब उनका क्या होगा, उनके लिए कुछ सोचे क्या करना है, क्या मुआवजा देंगे, क्या देंगे वो बताएं। फिलहाल अभी पुलिस, एनटीपीसी और सीआईएसएफ के लोगों के द्वारा मृत हुए व्यक्तियों के परिजनों के साथ वार्ता कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि सिग्नल देने वाला व्यक्ति जो सिग्नल देता है उसकी गलती से यह बड़ा हादसा हुआ है। मृतकों के परिजनों ने एनटीपीसी प्रबंधन से मांग की है कि उन्हें नौकरी व समुचित मुआवजा दिलाया जाए। प्रबंधन के द्वारा 4 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। सबसे पहले तो हाई लेवल पे जो इंक्वायरी है इस घटना की वो करवाई जाएगी, उसकी प्रोसेस आज से चालू हो गई है, उनके द्वारा कहा गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात, जो भी मृतकों का इंश्योरेंस रहेगा नियमानुसार वो कैलकुलेट होकर उनको विद इन 1 मंथ दिलाया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो मृतक परिवार है उनके जो भी नियमानुसार नॉमिनीज हैं उनको सेमी स्किल कैटेगरी में रोजगार की बात की है इन्होंने। चौथी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि तत्काल राहत के रूप में 10 से 15 दिन के बीच में परिवार को सहायता के रूप में 1,00,000 रुपए की बात की है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।